हाय जी वंस अगेन, फिजा ज़ीशान से हमारी बातें हो रही हैं। अच्छा जी, तो अच्छा ये बताइए कि अगर आप लोगों को हुकूमत मिल जाए एक दिन के लिए, अगर आपको हुकूमत मिल जाए क्या करेंगे आप एक दिन के लिए? वन डे हेल्थ पे काम करूंगी बहुत ज्यादा। एक दिन में क्या काम कर लेंगे आप हेल्थ पे? हमारे यहाँ तो 72 साल में कुछ नहीं हुआ, एक दिन में आप क्या करेंगे? जितना मैक्सिमम हो सकेगा हेल्थ पे वक्त मतलब क्या तीन स्टेप्स क्या लेंगे आप हेल्थ के लिए? देखें, जो हमारे मुल्क में जितना हेल्थ के ऊपर खर्च होता है वो बहुत कम है, और जितना WHO ने कहा है उससे बहुत कम हमारे मुल्क में होता है। एक तो उसकी हम फंडिंग ज्यादा कर दूंगी, एक दिन में फंड्स तो दे सकते। ओके, सो यू आर इन न्यूयॉर्क एंड यू आर विद डोनाल्ड ट्रंप, यू हैव अ मीटिंग गोइंग ऑन। आप क्या तीन बातें डोनाल्ड ट्रंप से मनवाएंगी पाकिस्तान के लिए? लेट्स आस्क दिस, डोनाल्ड ट्रंप इज टॉकिंग टू यू, क्या आप तीन बातें मनवाएंगी? हमारे कर्जे माफ कर दे। वो तो कर दिए ना, लेकिन आपको पता है ना कर्जों के साथ शराइत भी आती है। नहीं, टोटली अच्छा, तो शर्तें भी बिल्कुल शर्तें नहीं माननी आपने कोई जी, मतलब हमने शर्तें मरते कोई नहीं मानी, कर्जा माफ कर दो, सारे माफ कर दें, शर्तें कोई नहीं माननी। ये तो एक बात होगी, दूसरी क्या बात? दूसरी बात ये है कि इंशाल्लाह आप उसको मशवरे देंगे कि प्लीज जेल बैक कर लिया करो, कुछ कर लिया करो, काफी कुछ चेंज करना पड़ेगा उनमें तो। Well, I love the guy though. Honestly, I'm a Democrat. I'm a die-hard Democrat, but I love Donald Trump because honestly, बंदे में कोई बात है, वो खड़ा हो जाता है करके ना, you know, जो leadership आप माने या ना माने पर वो खड़ा हो गया, इन तमाम चीजों के सामने खड़ा हुआ। बहुत deaths हुई हैं US के अंदर and he's still facing it. So God bless you. It is hard time for everyone. Very very hard time. Very hard time. Okay, तीसरी क्या बात? तीसरी बात your meeting with Donald Trump. हाँ, बट एकदम से कुछ आइडियाज नहीं आते। इफ आई विल गो फॉर अ मीटिंग विद डोनाल्ड ट्रंप आई विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अच्छा चलिए जी, आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ भाई? मेरे को पता लगा कि इनके सामने जो रोता है ये उसको पैसे में से सब दे देती है भाई, तो मैं बहुत रो रहा हूँ, बहुत गमजदा हूँ। आप बहुत गमजदा हैं और आप इसलिए रो रहे हैं बिकॉज फिजा आपको राशन देंगी? हाँ भाई, 8 अरब का ये वजीर आला है ना भाई, ये वजीर, अरे मेरे को पता लगा है भाई, पता लगा है। नहीं, ये 8 अरब का राशन किधर है मेरे को? सुने कादिर भाई, ये वजीर आला होंगी, अभी नहीं है। अच्छा, होंगी। मुराद अली शाह साहब वजीर आला हैं जी। चलो तो अल्लाह आपको बना दे वजीर आला, मेरे को 2 राशन दे दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अगर राशन नहीं देते तो एहसास प्रोग्राम के पैसे तो आप ही लोग दे रहे हो ना जी। जी, वो तो आप 8171 पे कॉल करें। करा था मैंने, मेरे को नाहेल करार दे दिया भाई उन्होंने, तो वजह होगी ना, बता नहीं रहे। से आईडी कार्ड मांगा, इन्होंने नेपाली भेज दिया सारे ऑफिसली इनको। नहीं भाई, 2 दफा मेरे को मना कर दिया, मेरे को क्यों नहीं दे रहे हैं ये? ये बताइए आप, आपका वो आईडी कार्ड नेपाली है ना, बता तो रहे। नहीं नहीं, आई एम पाकिस्तानी। माथलो जाने के लिए भाई, माथलो के लिए पासपोर्ट की क्या जरूरत है? मेरे को किसी ने बोला था माथलो बगैर पासपोर्ट के नहीं जा सकते। माथलो सिंध में है, सिंध में आप पासपोर्ट कैसे, पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती, एक ही मुल्क में आप ट्रेवल कर रहे हैं। तो मेरे को बोला था तो मैंने बना लिया, अब मेरे को क्या पता था कि 12,000 चले जाएंगे मेरे भाई। अब 12,000 ना, पासपोर्ट तो आपका बना हुआ है ना, अब नहीं हो सकता। तो ये गरीब आदमी ने, उसने गलती से बना दिया। ये क्या मतलब, मतलब क्या है? अगर अब किसी का पासपोर्ट बना, बिलो द पॉवर्टी लाइन पहले लोगों को सर्व करेंगे, ऑब्वियसली जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है उनमें से कोई भी पासपोर्ट नहीं बना सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, कम लोग होते हैं। इस उम्मीद पे कि दुबई चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन जिनके नहीं है और जिनका फिर हमें पता भी है कि उनकी जो रिसोर्सेज हैं बिल्कुल ही नहीं है, और पहले तो उनको सर्व करना चाहिए, फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट स्टेज आएगी और उसमें फिर होगा इंशाल्लाह। उसके आपका भी हो जाएगा, फिक्र ना करें। नहीं भाई, कब होएगा? जब मैं मर जाऊंगा तब होएगा। आमीन ना करें। क्या कह रही हैं आप? आमीन। अतः मैं समझी उन्होंने कहा दुआ मांग रहा है, तो मैंने दुआ नहीं मांग रहे, क्या बातें कर रही हैं आप? किसी को किसी के मरने की दुआ मांग रही हैं? नहीं नहीं, मरने थी वो दुआ नहीं मांगी, ये तो वैसे भी नहीं मरेंगे, ये तो जलेंगे। क्या मतलब है भाई, कैसी कैसी बातें कर रही है आप? प्लीज 12,000 का इंतजाम कर दे। मैंने भी दिया था, मुझे तो दिया ही नहीं उन्होंने। उन्होंने बोला तुम्हारे फोन में 1,000 रुपए का बैलेंस है, तो तुमको दे देंगे नहीं पैसे। ऐसा है क्या 1,000 रुपए का बैलेंस? नहीं, उस पे कुछ नहीं। 1,000 रुपए का बैलेंस भी डलवाया हो ना फोन में, तो नहीं देते।
नहीं देख, जिनके पास गाड़ी होती है इस तरह काफी सारी इस तरह की शरायत है उसके ऊपर पे नहीं। अब मैं समझा क्यों नहीं दिया भाई, गाड़ी मेरे है पास, आपके पास या भाई मेरे पास गाड़ी आपके पास है, गाड़ी आपके पास है तो फिर कैसे देंगे? भाई को पता है मेरे पास कौन सी गाड़ी है? जा, इनके पास एक ऐसी गाड़ी है जो किसी के पास नहीं होनी चाहिए। हाँ, इनके पास तीन पहियों वाली गाड़ी किसी के पास नहीं होनी चाहिए। आई डोंट थिंक आपको अपनी गाड़ी का जिक्र भी करना चाहिए यहाँ पे। भाई तो अभी मैं क्या करूँ, उस गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं डलता है, उसके कागजात भी नहीं है, फिर क्यों नहीं दे रहे मेरे को? अब वो गाड़ी तो गाड़ी है ना, वो मर तो आपको पैसे दिला दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे वो नहीं दिला सकती आपको पैसे, आप 8171 पे कॉल करें और अगर आपका नंबर आ जाएगा तो आपको मिल जाएंगे पैसे। भाई मैं बहुत दफा करा है, अब तो मेरे फोन भी नहीं उठाते, घर पे आके चपाटे मार के गए मेरे को। भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, किसी के साथ भी नहीं हुआ है, ऐसा कर नहीं सकते वो लोग। भाई करा है, मेरे साथ हुआ है भाई। आपने किसी और जगह नंबर मिला दिया होगा, प्लीज ऐसा कहीं नहीं हुआ है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी जिंदगी में कभी काम नहीं किया। अच्छा, ठीक आप, अच्छा फिर ठीक ही है, फिर तो हो सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो भी कभी काम नहीं करते। सॉरी मैंने गलत कह दिया आपसे, वो तो अक्सर ऐसा हो ही जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ क्यों ये क्यों होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कहा जाता है कि वो काम नहीं करते? हमारे गवर्नमेंट में कोई काम नहीं होता क्या? बहुत बहुत अरसे से खराब हुए हैं सारे, घोस्ट जॉब्स इतनी सारी हैं यहाँ पे। एजुकेशन में इतनी सारी घोस्ट टीचर्स हैं जो कि साल ना साल से कभी आए नहीं, उनको उनके घर पे बैठ के तनख्वाहें मिलती हैं, तो जाहिर है जब ये चीज़ें हैं तो बहुत मुश्किल है इन चीज़ों को ठीक करना, लेकिन इसमें स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे और हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या कर रहे हैं भाई? गुर्बत दिखा रहा हूँ मैं अपनी, शायद गुर्बत देख के ये दे दे मेरे को अपने पास। सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। क्या दोबारा पहने इसको? ये थदल से ही दरीब लगता है। क्या लगता है? दरीब। मैं तुम दोनों को बुलाना छोड़ दूंगा यहाँ पे। नहीं ना, थदल से ही दरीब लग रहा है। थदल से गरीब क्या? तो तैथे बोलू, मैं तो बोलती है नहीं, तैथे नहीं, आप बिल्कुल बोले ना, कुछ ना करें, कुछ ना करें, प्लीज खुदा का वास्ता। और आप ये टोपी नहीं उतारेंगे अब, बिल्कुल नहीं उतारेंगे। इतनी ज्यादा लोशनी पलती है मुंह पे। फिजा कुछ कहना चाहती है उनसे जो आपको देख रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, कुछ कहना चाहती है? जी बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज अब जो कोरोना का टाइम चल रहा है इसमें सिर्फ अपनी ख्याल रखें, अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखें। इट्स अ डिले, ये कोई सोल्यूशन नहीं है जो मैं समझती हूँ कि ये टाइम जो है जिसमें हमने लॉकडाउन किया हुआ है, ये सिर्फ एक वक्त गुजारना है। इससे पहले एक स्पेनिश फ्लू आया था कभी और वो 2 साल रहा था। तो ये इसमें यह है कि अगर हमने इसको निकालना ही है, अगर हमने ये वक्त गुजारना ही है, अगर हम लोग हमारी मईशत इस चीज़ की मुतहमल नहीं है कि हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकें लॉकडाउन को, मैं पर्सनली भी समझती हूँ, शायद हमारी पार्टी का भी यही स्टांस है, तो हम लोगों को जब बाहर निकलना है तो हमें पूरे SOPs के साथ निकलना है। इसका ये और इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। आप लोग सब इस बात को समझें ताकि हमारी पाकिस्तान चलता रहे और लोगों को, ये जो आम दिहाड़ीदार लोग हैं वो भी तकलीफ़ से बाहर निकलें। और कितने अरसे तक राशन दे सकते हैं आप बताएं? कितने अरसे तक राशन बैठ के घर खिलाया जा सकता है? हो नहीं सकता। इट्स नॉट, मतलब आप अगर आप सोचें इस बारे में तो ये कितने अरसे तक किया जा सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। सो इसके लिए यही है कि जो लोग बाहर निकलें वो फिर इस चीज़ की पूरी, और ख़वातीन की बहुत जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर वालों को ट्रेन करें इस मामले में कि आप लोगों ने इस चीज़ को फॉलो करना है, कि आपने मास्क पहनने हैं, आपने हाथ धोने किस तरह हैं, आपने ग्लव्स पहन के बाहर निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। ये सब ख्वातीन का मेरा ख्याल है फर्ज बनता है कि वो अपने घर वालों को सही से ट्रेन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फिजा, थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, बट सीरियसली प्लेजर मीटिंग यू अगेन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना नहीं है अभी, वही डायमंड प्लैनेट रह गया, अभी अभी बात होती है ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापस आ गए, ज़रा प्लानट लगाइएगा, वो सब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि वो डायमंड कितने सारे हैं। ये 1/3 पूरा प्लानट जो है सब डायमंड का है, पूरा मेरा है, मैं बता दूँ है, बस मैंने अपने सोच लिया दिमाग में पूरा पूरा मेरा डायमंड। दादा सब डायमंड है, सारा डायमंड है, ये पूरा पूरा एक एक चीज डायमंड है। अच्छा, ये 1/3 है, 1/3 इसका एक मतलब एक तिहाई हिस्सा जो है डायमंड का है। लेकिन तुम लोग पहुंचोगे कैसे? अरे भाई जान, क्योंकि होल्ड ऑन, मुझे बताने दो, मुझे पता था तुम भूल जाओगे। देखो यहाँ से वहां तक जाने में 41 ईयर्स लगते हैं। कितने लगते हैं? 41 साल। लेकिन 41 साल वो वाले नहीं है, फिर
जमीन से इस प्लेनेट तक जाने में 41 नूरी साल लगते हैं, यानी 41 लाइट ईयर्स, यानी तुम अगर लाइट की रफ्तार से ट्रैवल करो, 186,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करो, तो 41 साल में तुम इस प्लेनेट तक पहुंचोगे। 41 थाल, लेकिन 41 साल अगर लाइट की रफ्तार से ट्रैवल करो, और वैसे अगर लाइट का 1% तुम बना लो, 1% के हिसाब से ट्रैवल करो, तो तुमको 4100 साल लगेंगे, 4100 ईयर्स। हंस रहे हैं आप लोग? तो पहुंचोगे कैसे? अरे तुम जानते नहीं हो अभी हमको। अच्छा मैं नहीं जानता। एक दफा का वाकया सुनो। एक दफा लगा हुआ था कर्फ्यू। क्या लगा हुआ था? कर्फ्यू। हाँ लगा हुआ था। हम बाहर निकल गए। अच्छा पुलिस ने धर लिया। अच्छा ले गया हमें। हाँ हाँ लिटा दिया। लिटा दिया? कहाँ लिटा दिया? अरे जब कर्फ्यू में निकलो थाने में लिटा दिया, और निकाले उन्होंने छिट्टर। एक छिट्टर लगाया ना हमारे, तो हम पत्नी कितने सैयारों की सैर करके आ गए। तो ये क्या है? तो इसका मतलब है तुम चले जाओगे ऐसे ही? ऐसे ही भाई, आपने 41 साल, यहाँ तो मिनटों की बात है। एक पड़ा आ, ये सैयारा। जा सकते हैं, जा सकते हैं। अगर मैं नहीं हूं तो ये क्या करें, मुझे भी नहीं पता। आप लोगों को पता नहीं है ये, जब हम लोग ये आपको उस पे दिखाएंगे ना, क्या नाम है, क्या करेंगे हम लोग पॉडकास्ट, क्या करेंगे उसको, वेब पे करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे, तब आपको और ज्यादा मजा आएगा। जी बताइए। मुझे तो अभी ठंडी दत्त की कॉल आई थी। किसकी कॉल? ठंडे दत्त की। आप झूठ क्यों बोलती हैं? मैं तो दूध बोलूं। संजय दत्त आपको क्यों फोन करेगा? तो वो मेरे लवर है ना, ठंडे दत्त। खुदा का वास्ता मैं आपसे माजरा चाहता हूँ, प्लीज अपनी गोली, इनको पिंकी को गोली खिला के भेजा करें, प्लीज प्लीज। जी नहीं नहीं, मुझे उनकी कॉल आई थी, उन्होंने मुझे कहा तुम्हें हीले लेने के लिए जरूरत नहीं है। हीले लेने की जरूरत नहीं है? सॉरी, हीरे लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। मैं खुद तुम्हारे लिए हीरे ला दूंगा। अच्छा, अगर तुम मुझे कहो ना, तो तुम्हारे लिए 9 लखा मंगवा दूंगा। अपनी उम्र दे तो 9 लखा मंगवा दोगे? अपने लिए लखा क्यों भाई? अपने लिए 6 मन लखा मंगा लो। 6 मन? 6 मन अपनी पूरी फैमिली को लेके जाएंगे ना, अकेले तो जाएंगे नहीं। ओ गॉड, 6 गज लट्ठा होता है। जी बताइए। 6 मन लट्ठा भाई, पूरा खानदान को मार रही है। एजुकेट लोग हैं भाई ये लोग। कौन लोग हैं? अनएजुकेट। आप तो PhD हैं ऑफ कोर्स। या हाँ भाई, ये लोग ले रहे मेरे को इजी, और आप भी मेरे को ले रहे हो हल्का। वाह वाह वाह, मैं तो यूं बैठूंगा और यूं पहुंच जाऊंगा। कैसे कैसे भाई, यूं बैठ के यूं कैसे पहुंच सकते हो? 41 नूरी साल है, 41 लाइट ईयर्स। अरे 6 बजे बैठूंगा, 6:02 में पहुंच जाऊंगा। आपको कैसे पहुंच जाओगे तुम? भजन मैं बैठूंगा, राम स्वामी देखा है आपने? देखा है, उधर एक ब्रिज है, उस ब्रिज पे मैं बैठूंगा नीचे, और मेरा एक दोस्त है जावेद, वो मेरे को लाके देगा चॉकलेट। चॉकलेट? हाँ भाई, वो चॉकलेट मैं लूंगा और यहाँ से निकालूंगा सिगरेट। सिगरेट निकाल के मैं उसको, बस बस समझ गया मैं भाई, समझ गया मैं कुछ बात, अब कोई बात नहीं करना तुम, अब आधे नहीं बोल गया मैं। अरे समझ गया मैं, और ये दुआएं दो मुझे, दुआएं दो, ये तुम्हारी सारी कॉमेडी की जितनी चीज है ना, दुआएं दो मुझे। तुम लोगों का रिस्क खुल गया है, मैं बता रहा हूँ भाईजान। 5:55 बस बस समझ गया मैं, समझ गया। क्या करोगे तुम? मैं पहुंच गया, बाकी लोग भी पहुंच गए, और मैं नहीं चाहता कि कोई और पहुंचे इस जगह, खुदा का वास्ता। लेकिन मैं नहीं पहुंचा अभी तक। आप पहुंचेंगे भी नहीं, आपका अंदाजा ही नहीं है, पहुंच ही नहीं सकते आप। आप तो खुद इतने पहुंचे हुए हैं, थोड़ी देर की बात है। आप देखिए सामने, जरा गौर से देखिएगा स्लाइड को। अब आने वाला है क्या? सांस जरा जोर से लीजिए, बस अब मल दाए। और भाईजान मैं अकेला भी नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, अकेले तो आप जाएंगे नहीं। बाहर निकाल दूं? निकाल दे। क्या कर रहे हो यार? सांस रुकवा के भूल गए? सॉरी सॉरी, आपके इधर पीछे एक जगह है, आपको शायद पता हो। कौन सी जगह? महमूद जहाँ होता है, महमूद, ये कब्रिस्तान जो है। जी जी जी। हाँ वहाँ क्या हुआ? महमूद है ना? हाँ महमूद गोरकन। मैं आपसे माजरा चाहता हूँ, खुदा का वास्ता स्क्रिप्ट बर्बाद मत किया कीजिए, अभी वो सवाल नहीं आया। मैं आपसे माजरा चाहता हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता किस किस्म के, मैं ब्रेक लेता हूँ आपसे, महमूद का सवाल आना है,
ये सवाल मैं मुझ पे नहीं था ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद अब आप महमूद की बात सुनिए। अच्छा अगर तुम लोग अव्वल तो वहां पहुंच नहीं सकते, अगर पहुंच गए और ऐसा सूट भी बना लिया गया जो इतनी हीट को बर्दाश्त कर लेगा, तो इसको माइन कैसे करोगे, इसको निकालोगे कैसे, निकालो के कैसे निकालोगे? माइन करने के लिए मेरे माइंड में एक चीज आई है, पता क्या है? आपकी भाभी, मेरी भाभी, मेरी बीवी आपकी भाभी, वो जिंदा है? नहीं शर्मिंदा है। अब भाई जिंदा है, क्या हो गया तुम? होंगी जाहिर है, शर्मिंदा भी हो सकती है। शादी जो हो गई यार भांजे, देखो ये नहीं करो आपको आज, मैं एक बात बता रहा हूँ। क्या मैं बंधा हुआ हूँ उसका मतलब ये है मैं खड़ा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने इस किस्म की कोई भी बात की ना भांजे वांजे की, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आदत नहीं पालता मैं। अच्छा, अभी हर ब्रेक में मैं मामू मामू कह जा रहा हूँ, भांजा भी ना कहे आपको। आप कसम खाएं, इनसे तमाम लोगों से पूछ ले, मैंने आपको ब्रेक में इस किस्म का कोई संगीन इल्जाम मैंने अपने सर पे लिया। अच्छा आप बताइए क्या क्या कह रहे थे? बात ये है कि आपकी भाभी है, ठीक है? अच्छा है, हाँ। हीरे तोड़ने ना? हाँ हीरे तोड़ने भाई, मुझे अच्छी तरह याद है, वलीमा था हमारा और कोरमा और बिरयानी बनी हुई थी, ठीक है? हाँ कोरमा बिरयानी, वो जिसमें खुशबू आती है और ऐसी बोटी हिलनी थी रवान वाली, तो हम वहीं खड़े हुए थे टेबल के पास। शादी कितनी अच्छी होगी ना, दुल्हन को देखने के बजाय बोटियां देख रहा बदतमीजी करता सुनते नहीं हाथ रहे दूसरे को, चुप करके बैठो। तो भाभी आपकी खड़ी हुई थी खाने की टेबल के पास। अरे तो भाभी आपके साथ नहीं बैठी हुई थी क्या? अरे भाई गैप हो गया था ना, थोड़ा सा इधर उधर चल रहा था, वलीमा था, वलीमा में और तुम देख लेना, महमूद की बारी नहीं आएगी, तुम ही ले। भाई ये हुआ कि मैं जैसी गया ना तो मेरी बेगम और महमूद ये सोच रहा है कि मैं वहां क्यों नहीं बैठा हुआ। महमूद से ये गलती हुई, उधर से उठ के आया खुद। भाई मैं यार सुन लो यार, मैं जैसी सुन लो, जैसी मैं गया हूँ ना बेगम के पास, तो वो अपनी एक शैली से कह रही थी, देखना मैं कुतुबुद्दीन साहब का ना गुरूर तोड़ दूंगी। मैंने कहा ये तो तोड़ने में माहिर है, एक साल गुजरा शादी का, फिर गुरूर ना रहा और ना रहा कुतुबुद्दीन, तो उनको ले जाएंगे, वो तोड़ेंगी देखिएगा, वो डायमंड तोड़ेंगी। अरे वो तो भाई घर तोड़ देती है, डायमंड तो बहुत छोटी चीज है। आप मुझे तो दाने की जरूरत नहीं है, ठंडे दर्द ने बोल दिया तो मेरे लिए हीला। आप चेक कर लें वो कौन है जो आपको फोन करके हीरे दे रहा है, संजय दत्त नहीं हो सकता वो? नहीं नहीं उन्होंने बोला भाई वो संजय दत्त नहीं है, वो गंजे दत्त है। दी नहीं। अच्छा और यकीन जाने हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे ना, मुझे पता था ये जुमला बोलेंगे, मैंने उन्हें इस वक्त नहीं रोका था, और ये इन्होंने जुमला बोलना था, हर सूरत में बोलना था, ये तो हर थिएटर के प्ले में ये जुमला बोल चुके हैं, और ये जुमला कुछ लोग सुन के मर भी गए लिटरली। उनके क्यों बोला ये जुमला? ऐसे एंजॉय के लिए भाई, कोई एंजॉय नहीं कर रहा। भांजे रुक जाओ, क्यों बोला भाई? गलती हो गई चाचा, क्यों बोला? अच्छा मारे दे, नहीं नहीं मारे, भाई एक सेकंड, क्या हुआ भाई? महमूद हुआ, महमूद को लाओ, ठहर जाओ। अब भांजे बोलो मुझे, बोलो बोलो वाले बांधे बोलो, भांजा भांजा किसी के नहीं मार जी, बताइए भाई। बात रह गई थी महमूद पे, महमूद को लूंगा उधर से, कब्रिस्तान से भाई, कब्रिस्तान से महमूद को कैसे लेगा भाई? भाई उसको लेके सीधा इधर पहुंचूंगा। कहाँ पहुंचोगे तुम? ये सैयारे पे भाईजन। कौन से सैयारे पे? ये जहाँ हीरो वाला सैयारा है। अच्छा, ये हीरो वाले सैयारे पे जाऊंगा महमूद को लेके, महमूद को लेके। और भाईजन महमूद जो हमारे यहाँ गोरखन है यहाँ पे जी भाईजन, उससे तो कोई कब्रिस्तान का पत्थर नहीं बचा, एक से एक पत्थर तोड़ दिया, तो ये हीरे कैसे तोड़ेगा? आप देखना भाईजन। अच्छा कॉमेडी अगर बर्बाद करनी हो तो इन्हें बता दें आधे घंटे पहले के क्या कहना है, उसके बाद जब ये खुद अदा करेंगे ना तो आपको भी दुख होगा कि आपने बताया था, और सर आपका घूमने लगेगा और आप इंतहा से ज्यादा महसूस करेंगे कि यार ये हंसी तो किसी को भी नहीं आई। नहीं भाईजान मैं देख लेना, भावड़े के बराबर बराबर है ना हीरे लेके आऊंगा वहां से, नहीं आई आ जाएंगे भाई, हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं आई किसी को भी नहीं आई, नहीं आई। आपको मौत भी आने वाली है, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का, आप देखिएगा। देखो कहाँ की बात कहाँ लाके घुमाते हैं। हाँ क्या 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 साहिर साहब जी जी, ये बात सही है, ये बात सही है। अगर तुमने मुझे भांजे
अब तो ये होगा, माफ अब तो ये होगा, ये तो मेरे मेले पे नहीं आए ना भाई, आप पे क्यों यार? एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता तुम लोगों को अपनी अपने बारे में इतनी, आपको पिंकी इतनी खुशफहमी क्यों है? नहीं नहीं मैं खुदा न करे आप ऐसी हरकत क्यों करूंगा? नहीं नहीं इनते फेंक रहे थे ना, इन पे तो स्लिप हो गया, नहीं रहा था फेंक रहा था, फेंक क्या रहे थे, फेंक रहे थे, फेंक नहीं रहा था मैं, क्या हो गया तुमको, क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारा? अगर कोई क्या अजीब मुसीबत है, बातें करते हैं अगर दो वेल एजुकेटेड बात कर रहे हैं, दो लोग जो आप दोनों चुप हो जाइए प्लीज, मैं भी चुप हो जाता हूँ, एक मिनट है कॉमेडी कीजिए सर, कॉमेडी की बात एक मिनट है, कॉमेडी करें, हसीन हो इसमें कोई शक नहीं, यहाँ 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 सर एक ये सुना देता, फ्लीट क्लब नहीं है और आर्ट्स काउंसिल नहीं है, नहीं नहीं अब बताओ, एक मिनट है तुम्हारे पास पूरा, कॉमेडी करो सर, आपने तो इम्तिहान में डाल दिया मेरे को, मैं आपको ये लीजिएगा दादा ने पहली बार कोई इतनी दी हरकत ली सर, हम तीनों को हीरे लाने दो भाई वहां से, आपका 20% मैं आपको दूंगा, और हम तीनों, असल मैं आपको एक बात बताऊं ये भी भूल गया डिसाइड ये हुआ था कि तुम तीनों मुझे 25% दोगे और ये 75 तो ये सब के सब जिससे आपने सर आपने मुझे यकीन था ये फेल हो जाएगा, टेंशन इतनी हो गई मेरे को कभी मेरे टेंशन कोई नहीं हुए भाई, तुम्हारा हिसाब किताब फेल है, थैंक यू गाइस बहुत बहुत शुक्रिया, कल तक के लिए खुदा हाफिज, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम स्टे सेफ, लव यू गाइस, खुदा हाफिज, बाय।